नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां बंद आर्मी कैंटीन को दोबारा चालू करने के लिए आज भूतपूर्व सैनिकों ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 1 सितंबर से सैनिक कल्याण बोर्ड ऑफिस में चलने वाली आर्मी कैंटीन को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के सामने समस्या खड़ी हो गई। अब लोगों को सामान लेने के लिए वाराणसी जाना पड़ रहा है। ऐसे में आज धरना प्रदर्शन कर आर्मी कैंटीन दोबारा चालू करने की मांग की गई। गाजीपुर से एएस न्यूज के लिए आरिफ आरसी की रिपोर्ट। देखिए, ये सैनिकों के लिए एक कैंटीन खोली गई थी, जो तकरीबन 40 साल से ऊपर का समय बीत गया इसको खुले हुए, किंतु ये 40 साल के बाद अचानक बंद कर दी गई, जो भूतपूर्व सैनिकों के परिवार के लिए, उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या का कारण है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस कैंटीन को तत्काल चलाया जाए और इसको बंद न किया जाए। बंद करने की वजह इनका कोई इंटरनल मामला होगा, जिसे इनको बताना चाहिए कि क्यों हम बंद कर रहे हैं, क्या उनको किसी चीज़ का शंका है, तो उसको सबको बताएं कि हम क्यों बंद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से कोई समस्या नहीं होगी, ये इनका कोई इंटरनल मामला है, इनका उनका खुद का अपना पर्सनल मामला होगा, चाहे विभागीय जो भी उनका प्रॉब्लम रहा हो बंद करने का। लेकिन इससे भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी जटिल समस्या बन गई है। सब तो बनारस नहीं जा पाएंगे, ना उनके बच्चे बनारस जा पाएंगे। यहाँ से सामान उनको आसानी से मिल जाता था, और अब जो है कैंटीन बंद होने से सब भूतपूर्व सैनिक परेशान हैं। इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं कि कैंटीन को तत्काल इसको फिर से चालू किया।